तो और मेरे भाई लोग कैसे हो यार आप लोग। तो आप देख रहे हो आपका अपना चैनल DSS न्यूज, जहां हम लाते रहते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी हर न्यूज हर घंटे। दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम दुर्लभ कश्यप के उन साथियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अभी भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस साथी की तरफ जो कि अभी भी जेल में बंद है। तो दोस्तों ये है रोशन शर्मा, जो कि दुर्लभ कश्यप का काफी करीबी दोस्त है। दोस्तों रोशन शर्मा को दुर्लभ की हत्या से कई महीने पहले ही हाफ मर्डर के चलते जेल हो गई थी। दोस्तों इतना ही नहीं, रोशन शर्मा ने हाल ही में शाहनवाज खान के भाई शादाब जहरीले नाम का लड़की के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। रोशन शर्मा के जेल से बाहर आने की खबर भी अभी नहीं आई है, अगर आती है तो हम सबसे पहले बताएंगे। दोस्तों दुर्लभ के अगले साथी का नाम है अमित सोनी, जिसकी गिरफ्तारी आज से कुछ 2-3 महीने पहले ही हुई थी। दोस्तों अमित सोनी की गिरफ्तारी भी मारपीट के मामले में हुई थी, जिसके चलते पुलिस विभाग पूरी कोशिश कर रही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अमित सोनी को जेल में रखे, जो कि हो नहीं था। अगला साथी जो कि गैंग का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, हेमंत वाड़िया उर्फ बोकला, जिसकी गिरफ्तारी भी दुर्लभ कश्यप की हत्या से पहले ही हुई थी। दोस्तों हेमंत वाड़िया को जैन की सेंट्रल जेल से इंदौर की जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अगले साथी का नाम है कुशाग्र सोनी, जो कि कई समय से फरारी काट रहा था और उसे हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उज्जैन पुलिस द्वारा। मीतू सोनी उर्फ कुशाग्र सोनी का नाम दुर्लभ के उन दोस्तों में आता था जिनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ होता था, मतलब आप समझ सकते हो कि ये लोग कितने ज्यादा करीबी लोग थे। ये है शानू बना, जो कि कुशाग्र सोनी के साथ ही गिरफ्तार हुआ था आज से कुछ 2 या 1 महीने पहले। तो इसकी गिरफ्तारी का जो वजह थी वो ये थी कि ये मारपीट के मामले में इसकी गिरफ्तारी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके चलते उज्जैन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कुणाल बिलोदिया, जिसने हाल ही में बहुत बड़ा कांड करा था जहाँ पे सरफराज खान जो कि किसी गैंग का एक लड़का था उसे बहुत बुरी तरह से मारा था, घायल कर दिया था, जिसके चलते हाफ मर्डर की धारा लगी थी कुणाल बिलोदिया पे। तो वो अपने साथी के साथ कुछ महीने पहले गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम विनय बाबा था।